सौरव जोशी, ब्लॉगिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, इंडिया के, एशिया के और दुनिया के सबसे बड़े ब्लॉगर। ब्लॉगिंग की दुनिया के बड़े बड़े नामों को पछाड़ करके उन्हें बहुत दूर फेंक दिया। सौरव जोशी ने वो करके दिखाया जो कि इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया। 100 दिन तक लगातार 100 वीडियोस लगातार ट्रेंडिंग सेक्शन में रखने का रिकॉर्ड सौरव जोशी ने बनाया जो कि इतिहास में आज तक कोई नहीं बना पाया। लेकिन जो हेट और जो नफरत इन्हें मिली वो भी आज तक किसी भी ब्लॉगर को नहीं मिली। सौरव जोशी में एटीट्यूड है, पीयूष एटीट्यूड किंग है, घमंडी है, ओवररेटेड है, ये डिजर्व नहीं करता। पीयूष की वजह से ग्रो हुआ, पीयूष के कारण इसकी व्यूज आते हैं। इतनी ज्यादा नफरत थी लोगों ने जिसकी कोई हद नहीं। और मुझे भी पर्सनली इनसे बहुत ज्यादा नफरत है। नहीं, सौरव जोशी से नहीं, किससे प्रॉब्लम है वो आपको आगे पता चल जाएगा। अच्छे से बात करेंगे हर चीज के बारे में। हम बात करते हैं कैसे बने सौरव जोशी मोस्ट हेटेड यूट्यूबर। लेकिन उससे पहले हम बहुत ही संक्षिप्त में ये जान लेते हैं कि सौरव जोशी कैसे बने इंडिया के नंबर वन व्लॉगर। क्या रही इनकी लाइफ की जर्नी। यूट्यूब पर आने से पहले सौरव जोशी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपने यूट्यूब करियर की स्टार्टिंग की एक आर्ट चैनल से। सौरव एक जबरदस्त आर्टिस्ट है, कमाल का आर्टिस्ट है। इन्होंने शुरू किया आर्ट का चैनल और उस पर रेगुलर बेस पर अच्छे अच्छे व्यूज आने लगे। नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत व्यूज आने लग गए थे। और फिर कुछ टाइम बाद सौरव ने स्टार्ट की व्लॉगिंग और उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की डेली व्लॉगिंग, हर रोज व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद कहानी में आता है एक ट्विस्ट जिसका नाम है पीयूष जोशी। पीयूष जोशी की इंटरेस्टिंग हरकतें और सौरव जोशी का चतुर दिमाग जिसने पीयूष को थंबनेल में दिखाया और टाइटल का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि बच्चे खुद को रोक ही नहीं पाए क्लिक करने से। और फिर उसके बाद स्टार्ट होती है सौरव जोशी की इनसेन ग्रोथ। 5 लाख से 1 मिलियन इन्होंने कंप्लीट किए सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों में। 1 मिलियन से तो 10 मिलियन तक ये पहुंचे सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। और उसके बाद 1.5 साल में 10 मिलियन से तो 20 मिलियन तक पहुंच गए, जो कि किसी भी इंडिविजुअल यूट्यूबर के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग ये कर पाए, बहुत बहुत कम लोग, क्योंकि मुंबई का निखिल जो कि इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर थे उनको 8 साल हो चुके हैं लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, 4 मिलियन। फ्लाइंग बीस्ट को 5 साल हो चुके हैं, वो नंबर 1 ब्लॉगर थे इंडिया के लेकिन उनके अभी सब्सक्राइबर्स कितने हैं, 8 मिलियन। लेकिन सौरव जोशी इन दोनों के बाद में आया और इन दोनों से कितना कितना ज्यादा आगे निकल गया, सोचो कितनी बड़ी बात है। लेकिन इसी बीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद में सौरव जोशी को जो हेट मिली, सौरव जोशी ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उन्हें इतनी हेट मिल सकती है। इतनी ज्यादा ग्रोथ इतनी जल्दी पहले कभी भी किसी की नहीं हुई थी। और इसी ग्रोथ की वजह से सौरव जोशी की पर्सनल लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए। उन्होंने कार ली, फॉर्च्यूनर ली, थार ली, उसके बाद में और भी कई सारी चीजें उन्होंने ली। उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस आया। वो संदीप माहेश्वरी सर के सेशन में गए, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग हुई, जहां पर भी जाते हैं लोग मिल जाते हैं। इतना सब देखने के बाद में लोगों से ये सहा नहीं गया। लोगों ने देखा कि यार इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है और ये करता क्या है, दिन भर वीडियोस बनाता रहता है, पापा को दिखाता है, मम्मी को दिखाता है, कुत्ते दिखाता है, पीयूष की हरकतें दिखाता रहता है, कुछ करता तो है नहीं, ये चीज दिखा देता और इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई, इतना सिंपल कंटेंट इतना ज्यादा चल गया। लोगों ने कहा ये ओवररेटेड है, ये डिजर्व नहीं करता। और फिर लोगों ने स्टार्टिंग की ग्रोथ को देख करके ये भी कहा कि ये ना पीयूष की वजह से चला, मेन रीजन है पीयूष इसके चैनल को ग्रो कराने में, पीयूष की वजह से इसके वीडियोस पर व्यूज आते हैं। और लोगों को हेट करने का एक और रीजन मिल गया। उसके बाद में लोगों को एक और रीजन मिला कि ना सौरव जोशी से उसके फैंस हजारों किलोमीटर दूर से आते थे उससे मिलने के लिए और सौरव जोशी उनसे नहीं मिल पाता था, उससे नहीं मिलता, अच्छे से बात नहीं करता। और लोगों को यहाँ पर एक और रीजन मिल गया सौरव जोशी को हेट करने के लिए। कई सारे लोग सौरव जोशी को मिलने जाते, कैमरा ऑन रखते, सौरव उनसे ठीक से मिल नहीं पाता, सौरव निकल जाता है और ये चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। और फिर लोग यूज़ करते हैं इसका कि सौरव घमंडी है, उसमें एटीट्यूड है, वो सही से बात नहीं करता, वीडियो में कुछ और है और रियल में कुछ और है, ये बहुत ही बेकार है। लोगों ने उसकी पूरी इमेज नेगेटिव बना दी है। फिर एक बार मनोज दे और सौरव जोशी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, व्लॉग बनाते हैं, उसमें मनोज दे के साथ में उनका छोटा भतीजा या फिर छोटा भाई रहता है, वो पीयूष से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। वो मिलने जाते हैं तो पीयूष उसके छोटे भाई से या फिर उसके उनके भतीजे से अच्छे से बात नहीं करता है और ये व्लॉग में रिकॉर्ड हो जाता है और लोग बहुत ज़्यादा हेट करते हैं पीयूष को कि पीयूष में एटीट्यूड है, पीयूष एटीट्यूड किंग है, ये सही से बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा घमंडी है, लोगों ने बहुत ज़्यादा हेट दी। लेकिन पीयूष ना छोटा सा बच्चा है और बच्चे से गलतियाँ हो जाती है, उसको इतनी हेट मत दो, ये बात समझाने के लिए मनोज ने एक वीडियो बनाया। लेकिन उस वीडियो के थंबनेल में उन्होंने क्या लिखा, पीयूष एटीट्यूड किंग। और यहीं से स्टार्ट होती है कॉन्ट्रोवर्सी। सौरव जोशी ने क्या करा, थंबनेल देख लिया, वीडियो देखा ही नहीं, और सौरव जोशी को ये लगा कि यार ये मनोज दे मुझसे रियल में मिलना है, रियल में इतने अच्छे से मिला,
और बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये भी रियल में अच्छे से मिल करके व्यूज के लिए मेरे नाम पे हेट फैला रहा है। थंबनेल को देख करके सरोजश ने ये जज कर लिया और यहाँ पर हुई मिसअंडरस्टैंडिंग और यहाँ पर क्रिएट हुई कॉन्ट्रोवर्सी, जिसकी वजह से सौरव जोशी को बहुत बहुत हेट मिली। उसके बाद में सौरव जोशी की और भी कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, जैसे कि कल कलौंडा के साथ में, वजाद हसन के साथ में, और भी कई सारे इनके ऊपर रोस्ट बनते गए, बहुत नेगेटिव वीडियो इन पर बने, बहुत रोस्ट बने। फिर एक बार नियोन मेन ने सौरव जोशी की एक न्यूज कवर कर ली, जिसमें सौरव जोशी का फैन बहुत दूर से उनसे मिलने के लिए आया और सौरव जोशी उसके फैन से मिला भी नहीं, वो डायरेक्टली निकल गया। ये न्यूज नियोन मेन ने कवर की। सौरव जोशी ने ये वीडियो देखा और उस पर कमेंट कर दी शेम ऑन यू, और यहां से फिर से एक नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई। कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें आपको फेम तो मिलता है लेकिन आपकी जो इमेज है वो खराब हो जाती है। इसमें कई सारी चीजें लोगों को ऐसी पता चल जाती है जो कि आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, क्योंकि अगर आपके बारे में लोगों को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो लोग आपको हेट करेंगे, आपकी इमेज खराब होगी और शायद लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद में एक और बड़ी चीज होती है जिसकी वजह से लोग सौरव जोशी के पुतले तक जला देते हैं। भाई साहब क्यों, क्या हुआ था? सौरव जोशी ने एक वीडियो में एक बात कही थी, वो क्या कहा था आप खुद सुनिए। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, और उत्तराखंड के लिए, पूरे इंडिया के लिए। तो हाँ मतलब काफी अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए अब और भी मस्त मस्त चीजें देखने को मिलेंगी आपको आगे। और इस वजह से सारे लोग फिर से सौरव जोशी के पीछे पड़ गए और लोगों को एक और रीजन मिल गया सौरव जोशी को हेट करने का। लेकिन सौरव जोशी के जितने भी हेटर्स हैं, जितने भी रोस्टर्स हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, अब आप सभी लोग मेरी बातों को सुनिए, मेरे ओपिनियन इन सभी पर क्या है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सबसे एक बात कही थी कि मुझे प्रॉब्लम है, नहीं सौरव जोशी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी और से प्रॉब्लम है। मुझे किससे प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है सौरव जोशी के सो कॉल्ड फैंस से। ये कैसे फैंस है? सौरव जोशी ने इतनी बार मना कर दिया, बार बार कितनी ही वीडियो में कहा, हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज प्लीज मेरी सोसाइटी में मत आया करो, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, सोसाइटी के लोगों को, मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं सही से मिल नहीं पाता हूँ आपसे, मुझे बुरा लगता है, मैं नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी अगर आपके फैंस सुनते नहीं है तो ये कैसे फैंस है? अगर आपको ये लगता है कि वो जो फैन है वो सौरव जोशी से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है इसलिए उससे मिलने गया था, तो ऐसा नहीं है। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए गया था, वो वीडियो बनाने के लिए गया था ताकि उसके व्यूज आ सके, इसलिए वो गया था। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए गया था, ना कि इसलिए कि वो सौरव जोशी से प्यार करता है। पहले तो वो सौरव जोशी के बहुत बहुत बड़े फैन बनते हैं, लेकिन सौरव जोशी अगर उनसे मिलता नहीं है तो दो मिनट के अंदर अंदर वो बदल जाते हैं और उसे नफरत देने लगते हैं। ये कैसे फैन से? ये तो वही बात हुई कि मेरे इष्ट भगवान शिव जी हैं, मैंने शिव जी से मन्नत मांगी, मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई तो शिवजी बेकार है, शिवजी अच्छे नहीं है, मैं अपने भगवान ही बदल लेता हूँ, शिवजी की बुराइयां करूंगा। ऐसा होता है क्या? फैंस यानी कि भक्त होते हैं। अगर किसी यूट्यूबर को आप प्यार करते हो, दिल से अपना गुरु मानते हो, तो आप उसके भक्त हो यानी कि फैंस हो। तो हम अगर किसी भगवान के भक्त हैं, उनके फैन एक तरह से, तो क्या हम ये कहेंगे कि यार मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, मेरी बात नहीं मानी भगवान ने, तो भगवान बेकार? ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। असली भक्त क्या होते हैं, असली फैंस क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हे भगवान, मेरी एक इच्छा है, अगर आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो अच्छा है, अगर आपने नहीं की तो और भी अच्छा है। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। हे भगवान, आपने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहता था, मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझे ज़रूर कुछ बेहतर देना चाहते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये होती है असली भक्ति, ऐसे होते हैं असली भक्त। आप सौरव जोशी के घर जाते हैं, वो आपसे मिल नहीं पाता तो आप उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। आप शाहरुख खान से मिलने जाइए, सलमान खान से मिलने जाइए, अमिताभ बच्चन घर जाइए, किसी भी सेलिब्रिटी के घर चले जाइए, किसी क्रिकेटर के घर चले जाइए, आप वहाँ जाइए, वीडियो स्टार्ट करिए, उनके बॉडीगार्ड आपको धक्के मार मार कर, लात घुसे मार मार कर बाहर निकालेंगे। तो क्या आप ये वीडियो बनाओगे कि यार शाहरुख खान मुझसे मिला नहीं, मेरे साथ फोटो नहीं लिया, मुझसे अच्छे से बात नहीं की, ऐसा कहोगे आप? नहीं कहोगे। तो सौरव जोशी के केस में आप क्यों कहते हो? देखिए सीधी सी बात है कि जो सच्चे फैन होते हैं ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करते, और जो ऐसी हरकतें करते हैं वो सच्चे फैंस नहीं होते, सीधी सी बात है। और सभी रोस्टर्स को मेरा एक रिप्लाई है, सभी रोस्टर हर वीडियो में अपनी एक बात तो कंटस्ट रखते ही रखते हैं कि पीयूष की वजह से ये व्यूज ले रहा है, पीयूष को थंबनेल में दिखा करके। तो मेरा आप सभी से सवाल है कि क्या आप सौरव जोशी के नाम पर व्यूज़ नहीं ले रहे हो, उसके ऊपर रोस्ट बना करके, उसको थंबनेल में दिखा करके, उसके बारे में बात करके, फिर उसका क्या आप नहीं ले रहे हो उसके नाम पर व्यूज़? और यहाँ पर सौरव जोशी को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? तारे जमीन पर एक मूवी आई थी, क्या कमाल की मूवी थी, उसमें मेन कैरेक्टर कौन था? आमिर खान और ईशान अवस्थी। तो आपने ये तो नहीं कहा कि यार आमिर खान ने बच्चे को थंबनेल में दिखाया, पोस्टर में दिखाया, मूवी में दिखाया, पूरी मूवी उसके ऊपर बनी, तो उसने बच्चे का यूज़ किया मूवी चलाने के लिए। बजरंगी भाईजान में वो मुन्नी आई थी छोटी, वो लड़की थी, तो आपने ये तो नहीं कहा कि यार उसके ऊपर पोस्टर में उसको दिखाया, पूरी मूवी उस पर डेडिकेटेड हुई? आपने ये तो नहीं कहा यार वो मूवी उसी के ऊपर है तो उसको दिखाएंगे ही सही ना।
सोरो के व्लॉग्स फैमिली व्लॉग है और पीयूष फैमिली का एक पार्ट है और पीयूष बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो उसको थंबनेल में क्यों ना दिखाए। एक यूट्यूबर का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वो ऐसे थंबनेल्स बनाए जिस पर ज्यादा क्लिक्स आए ताकि ज्यादा व्यूज आए। तो सोरो अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है कि वो थंबनेल में वही दिखाएगा जिससे कि ज्यादा व्यूज आएंगे, और सारे ही थंबनेल में वो यूज नहीं करता, उसके बावजूद भी उसके व्यूज आते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ पीयूष की वजह से चैनल ग्रो नहीं हुआ। और लोग कहते हैं कि यार कितने सिंपल लोग हैं, ना बहुत ज्यादा एडिटिंग है, ना बहुत कुछ है, डेली आ रहे हैं, कुत्ता, मम्मी, पापा, क्या क्या दिखा रहा है फालतू चीजें, इतनी सिंपल चीजें, इतना सिंपल वीडियोस इतने ज्यादा जा रहे हैं क्या इस वीडियो में? भाई साहब, बहुत हिम्मत चाहिए होती है सिंपल वीडियो बनाने में भी, बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो है वैसा का वैसा दिखाने में, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत है सौरव जोशी में। और लोग पीयूष को एटीट्यूड किंग कहते हैं, वो बहुत छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं है, वो मैच्योर नहीं है इतना। लोग 20 साल के हो जाते हैं, 25 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती इतनी कि कहां पर कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। पीयूष तो बहुत छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता कि कहां पर कैसे बोलना चाहिए। अगर आप यही नहीं समझ पा रहे कि वो एक छोटा बच्चा है, वो इमेच्योर है, वो ये नहीं समझ सकता, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो इमेच्योर वो नहीं, इमेच्योर आप हो। और बात रही सौरव जोशी के उस स्टेटमेंट की जिसमें सौरव जोशी ने कहा था कि हल्द्वानी को लोग मेरी वजह से जान रहे हैं, उत्तराखंड को अब लोग जान रहे हैं, हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था। ये स्टेटमेंट में सौरव की इंटेंशन कुछ और थी और अपने मुंह से वो कहे कुछ और गया। उसकी इंटेंशन ये थी कि हल्द्वानी को लोग जानते, उत्तराखंड को लोग जानते थे, सब जानते थे, मतलब अधिकतर लोग जानते थे, लेकिन उसकी वजह से और भी लोग जानने लग गए। और इसमें सच्चाई है कि हल्द्वानी को उसकी वजह से लोग जान रहे हैं, सिर्फ उसकी वजह से जान रहे हैं ये गलत है, लेकिन हाँ उसकी वजह से लाखों लोगों ने जाना है। और सच्चाई तो ये है कि हल्द्वानी का नाम मैंने भी पहली बार सौरव जोशी के व्लॉग में ही सुना था, और मेरी तरह लाखों ऐसे लोग हैं जो कि हल्द्वानी को जानते हैं सिर्फ और सिर्फ सौरव जोशी की वजह से। लेकिन हाँ, यहाँ पर मान सकते हैं कि उसने बोल थोड़ा गलत दिया था, तो गलती तो इंसान से हो ही जाती है। फिर उसने माफ़ी मांगी, तुरंत अगले ही वीडियो में उसने माफ़ी मांगी और पिछले वीडियो में से वो पार्ट उसने हटा दिया। उसकी इंटेंशन क्या थी वो उसने क्लियर कर दी और माफ़ी भी मांग ली। बोल रहे, मैंने एक ब्लॉग में बोल दिया था कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो कि मेरे ब्लॉग के थ्रू, मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं, मैंने ऐसे बोला था कि मेरे ब्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड, बस मैंने ये बोला था, मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अगर किसी को फिर बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी। लेकिन नहीं, लोगों को तो रीजन मिल गया हेट करने का, नफरत करने का, रोस्ट करने का, वीडियो बनाने का, लोगों से व्यूज चाहिए। और कई बार सौरव जोशी अपने फैंस से नहीं मिल पाता अगर उनसे कोई मिलने आता है तो कई बार पर्सनल लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, दिमाग कई बार बहुत खराब होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत स्ट्रेस होता है। आप इमेजिन करो, आपकी फ्लाइट छूट रही है, एक घंटा है सिर्फ आपकी फ्लाइट में, आपको जल्दी जल्दी जाना है, आपको रास्ते में, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, आपको रास्ते में कोई मिल जाएगा, आप रुकोगे? नहीं रुकोगे, क्योंकि आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, कोई हॉस्पिटल में है, आप जा रहे हो एकदम जल्दबाजी में, टेंशन में, और रास्ते में आपका कोई फैन मिल जाए तो क्या आप रुकोगे उसके लिए? नहीं रुकोगे। आपको पता नहीं घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई, आपको घर जाना है जल्दी से, और घर के रास्ते में आपको कुछ लोग मिल गए, आपके फैंस मिल गए, कि आप रुकोगे उनके लिए? नहीं रुकोगे। ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो कि पर्सनल लाइफ में होती रहती है, बहुत होती है ऐसी चीज़ें। और जब ये चीज़ें आपके फैंस नहीं समझते हैं तो फिर आपको अंदर से कैसा लगता है, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप उस लेवल पर जाओगे। सौरव जोशी 1000 फैंस से मिल लेगा, उनके साथ में फोटो ले लेगा, उनसे बात भी कर लेगा, लेकिन अगर वो एक इंसान से नहीं मिलेगा तो सब लोग उसके बारे में बात करेंगे। और खैर, ये कहना भी गलत होगा कि सौरव जोशी दूध का दूल्हा, उसने कभी गलतियाँ ही नहीं की। ना भाई साहब, ऐसा कभी नहीं, उसने गलतियाँ की है, लेकिन गलतियाँ करना तो इंसान की फितरत है, हर इंसान गलतियाँ करता है, मैं गलतियाँ करता हूँ। संदीप सर से भी गलती हो चुकी थी, उन्होंने खुद वीडियो में आकर के कही, उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी कर ली थी, तो सौरव जोशी से गलती क्यों नहीं हो सकती? वो कोई बहुत बड़ा इंसान थोड़ी है, बहुत ज़्यादा एज थोड़ी उसकी जो इतना मेच्योर होगा, गलतियाँ सबसे हो जाती है। हर बार गलती पर वो माफ़ी भी मांगता है, अगर कुछ गलत बोल दिया वीडियो में तुरंत उस वीडियो को हटा देता है, फिर उस वीडियो का वो पार्ट हटा देता है, माफ़ी मांगता है लोगों से, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पर प्लीज़ मत आइएगा। उसकी इंटेंशन कभी गलत नहीं होती, उससे गलतियाँ हो जाती है, लेकिन वो बंदा है ना अंदर से बहुत सही है। और लोग कहते हैं कि यार वो डिजर्विंग नहीं है, तुक्के से चल गया। तुक्के से चलने वाली चीज़ मुश्किल से एक साल चल जाएगी, लेकिन इतना लंबा नहीं चलेगी, वो बंदा अनस्टॉपेबल है। डिजर्विंग नहीं होता तो 1 मिलियन हो जाते, 2 मिलियन हो जाते, उससे ज़्यादा नहीं होते, लेकिन 20 मिलियन हो गए यहाँ पर और कोई नहीं टिका पूरे इंडस्ट्री में इनके आगे, कुछ तो खास बात है। सौरव जोशी से सीखने को इतना कुछ है, उनसे इंस्पायर होने को इतना कुछ है जिसकी कोई हद नहीं। और मैं इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ कर रहा हूँ, चापलूसी कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये पर्सनली जानता हूँ मैं उसको, इसलिए कर रहा हूँ। नहीं, मैं पर्सनली सौरव जोशी को जानता नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उनके वीडियोज़ देखे एंड वीडियोज़ में जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। ना ही सौरव जोशी मुझे जानता है, मेरा पर्सनल हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। मैं सौरव जोशी से इतना इंप्रेस क्यों हुआ, उनकी कंसिस्टेंसी, क्या कंसिस्टेंसी रखी है, लगातार नॉन स्टॉप, हर दिन, चाहे मूड हो बनाने का या मूड ना हो, हर दिन मेहनत करनी है तो करनी है, हर दिन वीडियो बनानी है तो बनानी है, इतनी कंसिस्टेंसी
मुझे नहीं लगता भाई साहब कोई मेंटेन कर पाया होगा आज तक। और इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद में इतना पैसा, अंधा पैसा कमा रहे हैं वो, चाहे तो जिंदगी भर उनके पूरा परिवार, उनकी आने वाली पुश्ते भी तक बहुत आराम से बैठ करके खा सकती है अगर वो कुछ भी ना करें। तो इतना वो कमा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद भी सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट कैसे करते हैं वो कोई सौरभ जोशी से सीखे। और संदीप माहेश्वरी सर का फेवरेट है सौरभ जोशी। संदीप सर इतने बड़े इंसान हैं, वो तुरंत देखकर पहचान लेते हैं कि कौन इंसान कैसा है। संदीप सर ने उनके साथ इतना टाइम बिताया तो संदीप सर ने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा ना सौरभ जोशी के अंदर। आप कितने भी अच्छे बन लो, कुछ भी कर लो लोगों के लिए, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है मैंने अपनी जर्नी में, बाकी लोगों की जर्नी में, कि लोगों के लिए आप अपनी गर्दन भी कटवा लोगे ना तो लोग क्या कहेंगे पता है, कि यार सही से नहीं कटी, थोड़ी और अच्छे से कटनी चाहिए थी। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं छोड़ा, शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी, दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान किया, लोगों ने श्री कृष्ण भगवान को ही नहीं छोड़ा तो हम तो इंसान है, हमें क्यों छोड़ेंगे। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में नफरत नहीं प्यार फैलाओ। दुनिया में पहले से ही बहुत नफरत है, एक नेगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव इंसान बनिए, जो 100 बुराइयों में से भी एक अच्छाई ढूंढ ले, ऐसे इंसान बनिए। और मेरा इतना कहने के बावजूद भी कई सारे लोग अभी भी सौरभ जोशी को हेट करेंगे ही करेंगे, और बदले में मुझे भी हेट करेंगे क्योंकि मैंने उसकी तारीफ कर दी, इसलिए मुझे भी हेट करेंगे। आप अपनी जिंदगी में तरक्की करके तो देखो, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, कई सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपसे नफरत करना स्टार्ट कर देंगे। अब तरक्की करके देखो एक बार, तब आपको पता चलेगा। तो दुनिया में नफरत नहीं प्यार फैलाओ, और प्यार फैलाओ इस चैनल पर भी, सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए। हम नफरत नहीं प्यार फैलाते हैं, लोगों को एक सफल यूट्यूबर बनाते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो हमारी कम्युनिटी से जुड़ें, इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम पर आ जाएं, वहाँ पर हम काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मज़ेदार बातें करते हैं, कुछ अपडेट होते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली हम शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।